सो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल वेबसाइट टास्क। मैं मीर तिवारी आपका स्वागत करता हूँ फिर से। एक्चुअली हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ में आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लॉकिंग एंड कन्फाउंडिंग सिस्टम ऑफ टू लेवल फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बात कर लिया था जो आपके यूनिट फिफ्थ से रिलेटेड हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बाइनरी फैक्टोरियल जितने भी हैं, टर्शियरी फैक्टोरियल, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखें और अपनी नोट्स बनाएं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स के जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको बताएं, क्योंकि अभी बहुत चीज़ बाकी बताना आप लोग को पता है, मुझे भी पता है, धीरे धीरे हम बताते हैं। डोंट वरी, स्टे विद अस, कनेक्ट विद अस। आप लोग को एमसीक्यू, आप लोग की सारी चीज़ें, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पूरा मिलेगा, स्टे विद अस। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मुझे अकेले करना पड़ता है तो इसलिए टाइम लग जाता है। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आए दिन वीडियो पढ़े आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, 21 तारीख से आप लोग के एग्ज़ाम है। चलिए पॉइंट पर बात करते हैं सीधा, ब्लॉकिंग एंड कॉन्फाउंडिंग सिस्टम टू फैक्टोरियल लेवल। ठीक है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे, एकदम ईजी और इंपॉर्टेंट है। इसके जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, सपोर्ट आपका काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आप लोग शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल। और चलो स्टडी करते हैं इसी तरह, स्टे विद अस। और बात करते हैं ब्लॉकिंग इन टू के फैक्टोरियल डिज़ाइन, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, मैं समझाई देता हूँ। ठीक है, ये सारी नोट्स आप स्क्रीन शॉट लेकर लिख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इंटू ग्रुप्स और ब्लॉक्स नोन एज ब्लॉकिंग। ठीक है, द आइडिया टू क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन मैचिंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए हैं, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, सुनिए ध्यान से। ब्लॉकिंग इन टू के फैक्टोरियल डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉकिंग है क्या, ब्लॉकिंग मतलब समझ क्या सकते हैं। मान लीजिए, क्या मान लें, सिंपल सा मान लो आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी होती है। ठीक है, लाइब्रेरी मतलब क्या, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ बुक्स होती है, ढेर सारी सेपरेशन ऑफ बुक्स होता है, मतलब बुक अलग अलग ढंग से, हर एक पर्टिकुलर नाम की बुक, जैसे आपकी फार्माकोलॉजी के डी त्रिपाठी की बुक, आपको फार्माकोलॉजी की जो के डी त्रिपाठी है वो आपकी फार्माकोलॉजी वाली रूम में मिलेगी, मतलब सारी बुक एक ही रूम में मिलेंगी। ठीक है, जैसे ज्यूरिस प्रूडेंस है तो ज्यूरिस प्रूडेंस की जितनी बुक होंगी वो आपकी एक रूम में मिलेंगी, मतलब सारी चीज़ें आपके सिस्टमेटिक वे में अरेंज है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर वही चीज़ मैं कह दूं आपसे कि फार्माकोलॉजी की बुक, ठीक है, ज्यूरिस प्रूडेंस की बुक, फार्माकोग्नोसी की बुक, ठीक है, और बायोस्टेटिस्टिक की बुक, फार्मा प्रिवेंटिव फार्मेसी की बुक, सब इकट्ठे रख दिया जाए और लाइब्रेरी वाली मैम से कहा जाए कि मैम हमें उसमें से ज्यूरिस प्रूडेंस की बुक दे दो, तो एक बात बताओ, जब बुक अरेंज सिस्टमेटिक फॉर्म में रहेगी, सबका ऑर्डर सिस्टम से लगा होगा, फार्माकोलॉजी वाली फार्माकोलॉजी तरफ, ज्यूरिस वाली ज्यूरिस की तरफ, फार्माकोग्नोसी वाली कोग्नोसी तरफ, तो आसानी होगी देने में, या सब इकट्ठा रखे रहेंगे तो आसानी होगी देने में? ऑप्शन आपका पहला वाला सही, मतलब कि जो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने नेम के अकॉर्डिंग, राइटर के नेम के अकॉर्डिंग, बुक के नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि वो चीज़ें एक एक अलग अलग पर्टिकुलर पे ब्लॉक कर दी जाएँ, मतलब फार्माकोलॉजी वाली फार्माकोलॉजी साइड, फार्माकोग्नोसी वाली फार्माकोग्नोसी साइड, तो वो दोनों ब्लॉक हो गए एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, तो ब्लॉकिंग से आपके क्या होता है, आसानी से चीज़ें को वेरिएशन पता चल जाता है, उसकी वेरिएबिलिटी पता चल जाती है। ठीक है, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, अब कोई भी बुक शॉप पर जाते हो, कोई भी बुक शॉप पर जाते हो, तो अब उससे कह दो कि भैया हमें टीपी कह लो, या आप निराली प्रकाशन ले लो, या आप कह दो हमें केडी त्रिपाठी की फार्माकोलॉजी एर्थ एडिशन की केडी त्रिपाठी की बुक हमें चाहिए, तो वो जो शॉपकीपर होगा ना, वो फार्माकोलॉजी की जो एर्थ एडिशन की फार्माकोलॉजी होगी वो अलग रखे रहेगा, ना कि सब इकट्ठे कापी किताब इकट्ठे रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अलग रखेगा, उसकी ब्लॉकिंग कर देगा, तब आसानी से वो डिस्पेंस कर सकता है, दे सकता है। इसी तरह सेम आपके होता है, एग्जांपल अगर ले लें, एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, ये एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टेबलेट वन मान लीजिए आपके एंटीपायरेटिक, मतलब जो बुखार में काम आती, टेबलेट टू एनाल्जेसिक, ठीक है, और टेबलेट थ्री क्या है, एनाल्जेसिक मतलब आपके पेन को कम करे, ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब क्या, आपके सभी माइक्रोब्स को किल करे। ठीक है, तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी एक टेबलेट में हो, ये एक टेबलेट में मान लो तीनों प्रॉपर्टी एक टेबलेट में है, सपोज दैट तीनों प्रॉपर्टी आपकी पैरासीटामोल पीसीएम में है। ठीक है, क्या है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक, तीनों प्रॉपर्टी इसमें पीसीएम में है आपकी। ठीक है,
अब मैं कह दूं आपसे कि इसमें ये बताओ कि इसमें एंटीपायरेटिक कितनी डोज है, ठीक है, एनाल्जेसिक का कितना डोज है, एंटीबायोटिक का कितना डोज है। मान लीजिए इसमें 500 mg है, ठीक है, इसमें 300 mg है, इसमें आपका 200 mg है, तो ये आप कैसे बता पाओगे? ये आप जब वेरिएबिलिटी टेस्ट करोगे, ठीक है, जब किसी एक पर्टिकुलर अकॉर्डिंग को उनके अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग से ब्लॉक कर दोगे, तभी आप तीनों चीज़ की वेरिएबिलिटी पता चल जाएगी। मान लीजिए आपको तीन ड्रग दे दीजिए, तीनों ड्रग को इकट्ठे मिला दिए, एनाल्जेसिक, पायरेटिक, एंटीबायोटिक, तीनों ड्रग को इकट्ठे मिला दिए, आप इसमें से बताओ एंटीपायरेटिक ड्रग कहाँ है, एनाल्जेसिक ड्रग कहाँ है, एंटीबायोटिक ड्रग कहाँ है, तो उसको आप तभी बता पाओगे कि अलग अलग, जैसे एंटीबायोटिक काम क्या है, बुखार को कम करना, एनाल्जेसिक क्या है, दर्द को कम करना, एंटीबायोटिक क्या, माइक्रोब्स को किल करना, तो मतलब तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग, तो तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको ब्लॉक कर देना है। जैसे एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी है बुखार को कम करना, तो उसको ब्लॉक कर दो उसकी जगह, एनाल्जेसिक को ब्लॉक कर दो उसकी जगह, तो मतलब तीनों चीज़ को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो आपका ब्लॉकिंग फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका वेरिएबिलिटी टेस्ट, और वेरिएबिलिटी वेरिएशन क्या लिखा है, इट इज़ अ पैटर्न विच इज़ यूज टू फाइंड अनवांटेड एरर, द आइडिया इज टू क्रिएट ब्लॉकिंग मैचिंग एक्सपेरिमेंटल बाय द ब्लॉकिंग विडीज, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन बिटवीन टू डोजेस फॉर्म, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जब इसको आप पढ़ेंगे, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, आप जो मैंने गिवन है ये स्क्रीन शॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके आता है, जैसे कि आप इसको स्क्रीन शॉट ले लो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन क्या है, टू ब्लॉक्स टू डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन, जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, टू स्क्वायर का फैक्टोरियल डिज़ाइन बताओ, टू स्क्वायर का फैक्टोरियल डिज़ाइन बताओ, ठीक है। तो टू स्क्वायर का फैक्टोरियल डिज़ाइन मतलब क्या, कि आपके जो ऑर्डर होंगे, ठीक है, ऑर्डर कितने बनना है, 1 2 3 4, ठीक है, एक मिनट में फिर से ले लेता हूँ, जो आपके टू स्क्वायर का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑर्डर कितने बने, 1 2 3 4, चार ऑर्डर बने, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इसका ए बी, ठीक, ए बी, ठीक है, ये निकालते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्या आएगा, ब्लॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ए हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, और उसके बाद ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक्स लिख दो, बी मतलब ब्लॉक्स, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑर्डर कितने हुए, टू किसका निकालना है हमें, टू स्क्वायर का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालना ना, हाँ, वेरिएबिलिटी फैक्टोरियल, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी फैक्टोरियल इसमें क्या क्या अंतर है, तो आपको डिवाइड करने के लिए, आपको कोडिंग करने के लिए किसी फार्मास्यूटिकल के अगर आप वेरिएबिलिटी निकालोगे तो ऐसे निकाला जाता है, एक एग्जांपल आपको बता रहा है। तो इसमें टू का स्क्वायर ऑर्डर क्या होगा, चार ऑर्डर है, तो एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर, ठीक है। तो अब आपको, अब मान लीजिए, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ वेरिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए या वेरिएशन चेक करने के लिए बिटवीन टू मोड, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादातर केसेस अगर देखा जाए, एग्जांपल सिंपल से लिया है, तो आप प्लस माइनस का ले सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या, कि आप पहले ए ब्लॉक में कैसे अरेंज करोगे प्लस माइनस को, फिर बी ब्लॉक में कैसे अरेंज करोगे, फिर ए बी का उसका क्या आएगा रेशियो, फिर आपके ब्लॉक कितने कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं, इसका आप ऐसे निशान लगा लो, ठीक है। तो आप देखिए, एक का मैंने ले लिया, एक अरेंज फॉर्म ले लिया माइनस प्लस का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर मैंने ले लिया माइनस माइनस का, फिर प्लस प्लस का, ठीक। फिर अब ए इंटू बी है ना, तो ए इंटू को बी का करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जांपल जो आपको बताया है, इसके जो रूल होते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। अब इसके ब्लॉक, इसको ब्लॉक को डिटरमाइन करने के लिए बेटा आपको एक कोड देना पड़ेगा, इसको ब्लॉकिंग करने के लिए आपको एक कोड देना पड़ेगा, कि मान लीजिए आपने प्लस को, प्लस को मान लीजिए, यहाँ पर मैं छोटा सा लिखे दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने प्लस को क्या दे दिया, प्लस को दे दिया 1 और माइनस को दे दिया 2, ठीक है, ये आपने एक ब्लॉक दे दिया। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे आप कोडिंग करके, आप ऐसे ब्लॉकिंग करके ये आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि प्लस को मैंने मान लिया 1 और माइनस मान लिया 2, तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉक मैंने क्या प्रिपेयर किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर हैं, ठीक है। तो ऑर्डर में, पहला ऑर्डर में क्या, मैंने माइनस प्लस लिया, फिर माइनस प्लस, फिर मैंने माइनस माइनस ले लिया, फिर प्लस प्लस ले लिया, इसको इंटू करा तो आपका ये आया। फिर ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक को मैंने बताया कि अगर प्लस आएगा तो 1 लिखेंगे, माइनस आएगा तो 2, तो 2 2 माइनस 1, तो इसका जब आप पूरा रेशियो निकालेंगे तो आपका 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर 4,
ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जांपल है, आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आप इसकी ब्लॉकिंग अगर इसमें ये वाला देखो कि ब्लॉकिंग 2:3 ले लें, 2 क्यूब ले लें, 2 क्यूब का फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होगा, तो 2 क्यूब का फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होगा, पहले आपको 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ऑर्डर आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 8 ऑर्डर को, तो मतलब कि आपका ए बी बी सी ए सी बी सी, ठीक है, ये आपका आएगा, इसको आपको इस तरह अरेंज कर लेना है। ठीक है, तो ए बी सी, फिर ए बी ये ले लेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, अब इससे आधा तो बनेंगे नहीं, फिर उसके बाद तीनों का इंटू कर देंगे सर। ठीक है, तो पहले हम कोड क्या लेंगे, पहले आपका जो अरेंज सिस्टम होगा, पहले हम अरेंज सिस्टम क्या लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस माइनस कर लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने चारों प्लस ले लिया और चारों माइनस ले लिया, ऐसे अरेंज करेंगे। हाँ आरन, हाँ आरन आरन, चलो मेरा खाने का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 9:30 बजे। चलो ठीक है, जल्दी समझ दो। ठीक है, ए बी का इनटू क्या होगा, तो ए मतलब क्या, ए ये माइनस और बी का मतलब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर ए बी का इनटू निकाल लेना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद अब फिर से आपको, चूंकि आपको माइनस वन देना है, जो आपका टोटल रेशियो आएगा, ठीक है, वो आप पूरा निकाल लें, यहाँ पर पूरा गिवन है, और यहाँ पर ब्लॉकिंग आपको इसके अकॉर्डिंग रख देनी है, जैसा कि मैंने उधर बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो, होप आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, आप कुछ सीख पाओगे इस वीडियो से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यूनिट 4 का ब्लॉकिंग, और कोशिश करूँगा मैं यूनिट 5 का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ, और MCQ तो मैं जल्द लाऊंगा, डोंट वरी। तब तक लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर, ऐसा कि आप लोग अभी तक कर रहे हो, योर लविंग मी सर। एक्चुअली मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। देखिए मैं बेटा आप ही की तरह हूँ, मेरा भी आपकी फाइनल ईयर, मेरा भी आपकी फाइनल ईयर है, और कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि आप टीचर हो क्या, नहीं तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह हूँ एक स्टूडेंट, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो उसको मैं अगर स्प्रेड कर दूँ, आप लोगों तक पहुँचा दूँ, आप लोग की हेल्प हो जाए, आप लोग को कुछ सीखने को मिल जाए, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड, इट्स गुड फॉर ऑल। ठीक है, क्योंकि एज़ आई नो, एज़ यू ऑल नो, कि सरस्वती माता हैं, इनको जितना स्प्रेड करोगे उतना ज्ञान आपका भी बढ़ेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरे भी एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, तो आप ही के साथ मैं भी अपना एग्ज़ाम दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक मैं फिर से कहूँगा, और जिस वीडियो में बनाऊँगा हर बार बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग अवेयर हो जाए कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं कोई एक सर्टिफाइड प्रोफेशन नहीं हूँ, मैंने कोई एमफार्मा नहीं किया, मैंने कोई फार्मेसी की डिग्री अभी तक नहीं ली, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर है, तो अभी तो डिग्री मिली नहीं है, तो लास्ट ईयर कंप्लीट होगा तो उसके बाद फार्मेसी की डिग्री होगी, तब हम पढ़ाने लायक होंगे किसको, डिप्लोमा के, क्योंकि बैचलर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो डिप्लोमा को पढ़ा सकते हैं, ना कि बैचलर को। ठीक है, तो मुझे लगा, मुझे शौक़ है पढ़ाने का, तो इसलिए मैं आप लोग का शेयर कर रहा हूँ, आप लोग तो बता रहा हूँ, और मेरी टीचिंग वे कैसा है वो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। तो मैं एम फॉर्म करूँगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म तो करना था, तो कि इसीलिए मैं पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहा हूँ, अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर रहा हूँ। तो बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार दे चाहिए, जैसा कि आप लोग दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम चलते हैं खाना खाने, आप भी पढ़ के नोट्स बनाकर, आप भी खाना खाइए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आदाब।